उजाले में मुड़ा चली है यहाँ पर बोल चलन की कार्यकारी चलन की तभी क्या एक डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट थोड़ा मैसेज क्या बोल चलन की कार्यकारी चलन की तभी क्या एक डिपार्टमेंट थोड़ा मैसेज क्या बोल में एक ब्लॉक लेवल की मीटिंग का आयोजन किया जाए, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो राज्य स्तरीय अगर कोई डिमांड है या जिला स्तरीय कोई डिमांड है तो उनको हम देखेंगे, वहाँ जाके उनसे बात करेंगे और कर्मचारी साथियों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में हमारे कुछ एक ब्लॉक के प्रधान और महासचिव जो के स्थानांतरण हो गए थे या ट्रांसफर हो गए या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी जगह हमने आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि वहां कुछ जो हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, जो अच्छे हमारे फेडरेशन में सहयोगी रहे हैं या जो कर्मचारियों में अपनी पैठ रखते हैं, उन्हें टेम्परेरी या क्या बोले इसको के कार्यकारी पदाधिकारी उनको बना के अध्यक्ष या महासचिव नियुक्त करके आज हमने जो कर्मचारियों को जो उनके हित में कार्य करना है उनके लिए हमने प्रेरित किया है। जैसे ने आप बताया कि कर्मचारियों की डिमांडों को लेकर मुख्यमंत्री मेजर डिमांडें आपकी क्या क्या रहेंगी जो मुख्यमंत्री के सामने पेश करी? जैसे हमारे दो चार मांगे प्रमुख 4-9-14 का जो हमारा पिछली बार धूमल सरकार ने ये चीज को दिया था, फिर वीरभद्र सरकार जी ने इनको विदड्रॉ कर लिया, अब ये इन्होंने भाजपा सरकार ने इस चीज को भी अपने मैनिफेस्टो में भी रखा और उम्मीद करते हैं कि ये चीज हमारी मांग जेन्युइन है और इसे माना जाना चाहिए। इसके अलावा जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों को लाया जाए ताकि जो अपना भविष्य निधि का है, भविष्य निधि का कहीं एनपीएस वाले जो जितने भी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको कहीं भी आज तक जैसे कई कई सालों से इनके पेंशन के मामले लटके हुए हैं, उनके मामले वो नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए और जो भविष्य निधि जो जीपीएफ का है उसे तो हर हाल में इनको एजी को दोबारा या भविष्य निधि जो जीपीएफ में इनको कर्मचारी जो चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम में भी उनको भी जीपीएफ में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो नियमितीकरण का है, जैसे अभी जेओ जूनियर ऑफिसर सेंटर जो हमारे अपॉइंट हुए हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए पॉलिसी कोई नहीं है जूनियर ऑफिसर जो है, तो हम चाहते हैं कि जो ये वर्तमान सरकार इस पॉलिसी में कोई विचार करे ताकि इनका भी भविष्य जो है वो कुछ सुरक्षित हो। और जैसे कोई कोर्ट का डिसीजन, जैसे पहले एलएस की उसका है ग्रेड पे का है, कोर्ट का डिसीजन उसे इम्प्लीमेंट उसको नहीं दी गया है, क्लास 4 के ग्रेड पे का है, वो भी चीजें अभी तक नहीं हो पाई है। कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी जो मांगे हैं, कर्मचारियों की जो मांगे हैं, कर्मचारी टैक्स देता है, कर्मचारी हर तरफ से व्हाइट मनी अपने पास रखता है, किसी प्रकार का ब्लैक मनी नहीं है उनके पास, तो मैं चाहूंगा कि कर्मचारी उसको देखते हुए भी हमारे कर्मचारियों की मांगे मानने की जो है वो हमारे सहयोग करें।